डोसा, ये 250, और ये मंगती का सिर्फ, ये क्या है? खोइंचा दानी है, ये नया देख रहे हैं। इसका क्या प्राइस है? 450 का ये आएगा आपको। ओके, एंड ऑर्डर में बनता है क्या? गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रील रोज। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज जो है मैं गई हूँ चूड़ी मार्केट, एंड यहाँ पे आज मैं हल्दी एंड मेहंदी में जो ज्वेलरी पहना जाता है उसको दिखाऊंगी एंड प्राइस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सेम रील रोज के नाम से ही है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए, आप मेरी वीडियो कीजिए इंजॉय। क्या प्राइस है ये सबका? 5.5। ओके, और ये? ओके, 4। 150। ये भी 150। ओके गाइस, तो हल्दी के लिए अगर आपको लेना हो ये ज्वेलरी वगैरह तो यहाँ पे मिल रहा है चूड़ी मार्केट में। एंड सबका प्राइस मैंने बता दिया है, सबका अलग अलग प्राइस है। ओके, एंड यहाँ पे इयर रिंग भी मिल रहा है। ओके, एंड कॉस्मेटिक भी है यहाँ पे, और शादी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, रेड है, एक और दिख रहा है तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये है रेड, इसका ये सब भी 150 का है, ये सब 150 का है। ये बनता भी है, मतलब ऑर्डर बनता है क्या? नहीं। ओके, क्या प्राइस है ये सबका? 40। सब अलग अलग प्राइस का है। ये सब अलग प्राइस का, अंकल एकदम झटझट बोले जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे मिल रहा है ये सब। क्या प्राइस है ये वाले का? 200। ये 250, और ये मंगती का सिर्फ 300 का है। कितना है इसमें? 300 में एक दर्जन मिल रहा है, अलग अलग तरह का है। एंड मार्केट में बहुत भीड़ है, यहाँ पे शादी का सामान सब है, नहीं सिर्फ शादी का, यहाँ पे सामान सब मिल रहा है। ये सब, ये सिंदूरदानी, ये सब है, अच्छा सिंदूरा है, ये पीढ़ा है, एंड ये भी है। यहाँ पे ना सिर्फ शादी के लिए मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आप देख सकते हो। ये चूड़ी मार्केट में है ये सब शॉप, ये भी मिल रहा है, ये भी शादी में यूज होता है। ये सिंदूर है ना, ये गुलाबी है, ये ऑरेंज वाला, ये क्या है? खोइंचा दानी है, ये नया देख रहे हैं। इसका क्या प्राइस है? 250। इसमें चेन लगा हुआ है, अच्छा ये नया आया लगता है इस बार मार्केट में, है ना? ये खोइंचा दानी है, खोइंचा आता लास्ट में वो है ना, अच्छा। एंड यहाँ पे मतलब सारा मटेरियल है। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं और। हाँ, ये लड़के दूल्हे के लिए माला वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे, एंड उधर भी है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका क्या प्राइस है? क्या प्राइस है इसका? ये बहुत सस्ता है। कितना मात्र बताते आपको? हाँ, 200 का आ जाएगा। ये 200 का आएगा, अच्छा ये 200 का आएगा, और ये 180। क्या अच्छा। हाँ ये अच्छा लग रहा है थोड़ा। इसका क्या प्राइस है? 450 का ये आएगा आपको। ओके, एंड ऑर्डर पे बनता है क्या? नहीं, ऑर्डर पे नहीं बनता है। एंड ओके, तो शादी के लिए ये हल्दी वगैरह मेहंदी के लिए ये अच्छा है। एंड चूड़ी मार्केट में और भी बहुत सारा है, मतलब पूरा मार्केट में जो है ना यही भरा पड़ा है, तरह तरह का आप देख सकते हो। We'll be right back.
200, ये वाला, ये वाला ये 200 का, 200 का है। और ये सब लड़के का, ये सब जो है, ये सर ओके। यहाँ पे लड़के मतलब दूल्हे के लिए भी मिल रहा है, और ये क्या बोलते हैं, गले में पहनते हैं जो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, माला ही है, 416 का। हाँ ये महाराजा हार है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मुझे दिखा नहीं, सॉरी। उसके लिए अंडा, यहाँ पे बहुत तरह का है। ये भी चूड़ी मार्केट में है ये शॉप, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। और यहाँ पे काफ़ी सारा ज्वेलरी है, एंड उससे भी खूबसूरत खूबसूरत इस साइड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका क्या प्राइस है? 250। ये आपको 250 का पड़ेगा, कुछ कम भी होगा क्या? नहीं, ये यहाँ पे फिक्स रेट है। ओके, एंड यहाँ पे और भी शादी के लिए मिल रहा है, ये जूरा वगैरह है ना, यहाँ पे मिल रहा है जूरा वगैरह, जो कि मिरर के अंदर से क्लियर नहीं पता चल रहा है, बट आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मेहंदी, गजरा, सब कुछ मिल रहा है इस शॉप में। हेयर बैंड, ये होलसेल मार्केट है, होलसेल है। ओके, ये होलसेल है। और ओके, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो देखिए, वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, ये सनफ्लावर वाला, हाँ ये न्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर क्या प्राइस है? ये 600 का है। एंड मार्केट में बहुत भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ये शॉप का नाम क्या है? एआर ट्रेडर्स। आगे से इसका बोर्ड है? अच्छा बोर्ड नहीं है, ये एआर ट्रेडर्स है। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शॉप का नाम है एआर ट्रेडर्स, जो कि चूड़ी मार्केट में है। लेना हो तो आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। चूड़ी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है, आप सोच समझ के जाइए। आप 11 बजे के टाइम में जाइए, इस तरह से जाइएगा तो मतलब भीड़ कम मिलेगी, अगर शाम में जाएंगे बहुत भीड़ रहता है तो सोच कर जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, एंड अगर आए हो चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।